precious friend. मेरे बहुमूल्य दोस्तों. What a wonderful promise we have in यीशु में. हमारे पास में सच में कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है. Now it's time for miracles. अब ये तो चमत्कारों का समय है. Yes, Jesus Christ is a miracle worker. हाँ, यीशु मसीह तो चमत्कार करने वाले हैं. Even this Christmas. और यहाँ तक कि इस क्रिसमस में. He has been given to us. वो तो हमें दिए गए हैं. As we read Isaiah 9 and verse 6. जैसे हम यशायाह अध्याय 9 वचन 6 पढ़ते हैं. The Bible says. बाइबल कहती है. For unto us a child is born. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ. Unto us a son is given. हमें एक पुत्र दिया गया है. For us a child is born. हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है. Yes, many times when people are barren, husband and wife are barren without a child. और कई बार जब पति और पत्नी जबकि वो बांझ होते हैं उनकी कोई संतान नहीं होती है. When the wife doesn't bear a child. और जब पत्नी गर्भधारणा न करे बच्चे को जन्म न दे. And they receive a child through prayer from the Lord. और फिर जब प्रभु के द्वारा प्रभु से वो संतान प्राप्त करते हैं प्रार्थना के द्वारा. Especially after many years. और खास करके विशेष करके बहुत साल बाद. They say, is it for us a child has been born? और वो कहते हैं देखो ये हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ. A son has been given. और एक पुत्र दिया गया है. Or a daughter has been given. या एक पुत्री दी गई है. They are unable to believe it. वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते. That's how it is for us when we receive God in us. जब हम परमेश्वर को हम में प्राप्त करते हैं स्वीकार करते हैं तो हम इसी तरह से होते हैं. On Christmas day God himself came. और क्रिसमस के दिन स्वयं परमेश्वर आए. Yes, he came to save us. हाँ, वो हमें उद्धार देने के लिए आए. He came in the form of a child. वो एक बालक के रूप में आए. He says, I am given to you as a child. उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बालक के रूप में दिया गया. As your child. आपकी संतान के रूप. For you to rejoice. कि आप आनंद मनाएं. You have said, you have nothing. और तुमने कहा है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं. You are unable to enjoy nothing or anything. आप किसी भी चीज का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, किसी भी बात का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। I am given to you. मैंने तुम्हें दिया है। In me is hid all the treasures of heaven. मुझ में स्वर्ग का सारा खजाना छिपा हुआ है। A child is given to you. आपके लिए एक संतान दी गई। For you a child is born. आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। As you receive this child, Jesus Christ, you're receiving the fullness of godliness. और जैसे कि आप उसके पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आप पूरी तरह से ईश्वरत्व को ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं. You are receiving the fullness of the blessings of godliness also. और आप साथ में भक्तिपूर्णता की पूरी आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं. Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो. Jesus said. यीशु ने कहा. In John 12:50. यूहन्ना 12:50 में. If you do the will of God. अगर तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, you are my mother. तब तुम मेरी माता होगी. I will be a child to you. और मैं तुम्हारे लिए पुत्र हो जाऊंगा. Many times when something has to be got done from a big officer. और जब कभी किसी बड़े अफसर से अपना कुछ काम करना होता है, the person who needs the help would go to the father of the officer or the mother of the officer. तो जिस व्यक्ति को इस मदद की जरूरत होती है वो उस अफसर के पिताजी के पास या उसकी माँ के पास जाता है. And tell the mother, ma'am, I was your student. और वो उस माँ से कहता है कि मैडम मैं आपका एक विद्यार्थी था. You only raised me up. आप ही ने मेरी परवरिश की है. धन्यवाद. Would you please tell your son to pass this order for me? कृपया करके आप अपने बेटे से कहेंगे कि ये ऑर्डर मेरे लिए पास कर दे. Your son has all the power. आपके बेटे के पास इतनी सामर्थ है. Please ask your son to favorably look at my petition. कृपया करके अपने बेटे से कहिए कि मेरे जो आवेदन है उसकी और बहुत ही कृपा से देखे. The mother will say. और माँ कहेगी. Hey son, help my student man. बेटे मेरे इस विद्यार्थी की तुम मदद करो. You better help him. अच्छा तुम इसकी मदद करो. Or you better help her. या उसकी उस बहन की मदद करो. The son, whether there's merit in the case or not, because the mother said, will do everything for that person. और वो जो बेटा है जो शायद उस केस के बारे में ज्यादा कुछ जाने या ना जाने लेकिन उस व्यक्ति की मदद करने के लिए जरूर आगे बढ़ेगा. The Lord says, I am a child given to you. प्रभु ने कहा कि मैं एक पुत्र के रूप में तुम्हें दिया गया. Whatever you ask
as a mother in my name, I will do it for you. जो कुछ मेरी माता के रूप में तुम मुझसे मांगोगे, मैं निश्चय तुम्हारे लिए से करूंगा. The mother of Jesus said to the wedding feast people, saying, "You say you have no wine." और यीशु की माता ने जब वो उस भोज में विवाह के भोज में गए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास दाखरस नहीं है. Go to my son and do what he asks you to do. मेरे बेटे के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे करने के लिए कहे वही करना. And they had plenty of wine from water, which Jesus turned into wine. और उनके पास फिर बहुत दाखरस हो गया क्योंकि यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया. Yes, the Lord says, if you do my will, my father's will, you will be my mother. और इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा कि अगर तुम पिता की इच्छा पूरी करोगे तो तुम मेरी माता ठहरोगी. Unto you a son is given. आपके लिए ये पुत्र दिया गया है. Whatever you ask in the son's name, Jesus Christ, you will have. जो कुछ आप उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगेंगे, आप वो प्राप्त करेंगे. Jesus says, I will do it for you. और यीशु ने कहा कि मैं इसे तुम्हारे लिए करूंगा. Unto you a son is given. तुम्हारे लिए एक पुत्र दिया गया है. Yes, if the son sets you free, you will be free indeed. हाँ, निश्चय अगर आपको पुत्र स्वतंत्र करे तो आप सच में स्वतंत्र हो जाएंगे. As a child, whatever you ask in my name, I will do it for you. एक संतान के, एक बच्चे के रूप में आप मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे, मैं वो तुम्हारे लिए करूं. Jesus says, as a son, I will set you free. और यीशु ने कहा कि पुत्र के रूप में मैं तुम्हें स्वतंत्र करूं. The son of God, परमेश्वर का पुत्र, also the son of man, और साथ ही मनुष्य का पुत्र. Whatever freedom you need, I will give it to you in your life. जो कुछ भी स्वतंत्रता तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हारे जीवन में दूंगा. Jesus says, I'll free you from sin. यीशु ने कहा मैं तुम्हें पाप से स्वतंत्र करूं. I'll free you from poverty. मैं तुम्हें गरीबी से स्वतंत्र करूं. I will free you from your sickness. मैं तुम्हारी बीमारी से स्वतंत्र करूं. I will free you from the demonic oppressions. दुष्ट आत्माओं के सारे कामों से तुम्हें स्वतंत्र करूं. I will free you from the oppressions of the wicked people of this world. और इस संसार के दुष्ट लोगों के कामों से मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा. I will free you from your lustful and evil thoughts. तुम्हारे अभिलाषा और बुरे विचारों से तुम्हें स्वतंत्र करूंगा. I will free you from your guilt and sin. मैं तुम्हारे दोष भावना और पाप से तुम्हें स्वतंत्र करूंगा. I will free you from your spirit leading you and fill you with my Holy Spirit. मैं तुम्हें आजाद करूंगा जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हारी अगुवाई कर रही थी, उसके बजाय मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा. What more do you want? आपको इससे बढ़कर और क्या चाहिए? We have joy in having Jesus in our lives, born in us. यीशु हमारे जीवन में है, उसने हमारे जीवन में जन्म लिया, इसलिए हमारे पास आनंद है. And the Bible says, बाइबल कहती, the government is upon his shoulders. प्रभुता उसके कंधे पर होगी. One leader of a country, एक देश का जो अगवा होता है, told me, उसने मुझसे कहा, after he was speaking many things concerning his life, अपने जीवन से संबंधित बहुत सी बातें बताने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, in one passing comment he said, sir, do you know the government is all powerful, it can do anything. और उन्होंने कहा, सर क्या आप ये जानते हैं कि जो सरकार है वो तो सच में बहुत ही सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकती. And as the head of the government, I can do anything to anybody. और मैं जबकि संसार का मुखिया, मैं इस देश का मुखिया हूँ, मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता. But here the Bible says, लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है, the government is upon the shoulders of the child who was born for us on Christmas Day. उस क्रिसमस के दिन हमारे लिए जो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कांधे पर ये प्रभुता होगी. He has the power to place those whom he chooses in power. उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि जिन्हें वो चाहता है उन्हें वो ऊंचे स्थान पर, सामर्थ्य के स्थान पर रखता. And he expects them to carry the people in his name, not in their name. और वो अपेक्षा करता है कि उसके नाम में वो लोगों की अगुवाई करते चले जाए, अपने नाम में नहीं. He expects them to carry the people and feed the lambs with his love, with his care, with his integrity. और वो अपेक्षा करते हैं कि वो मेमनों को चराए और उनकी देखभाल करे अपनी ईमानदारी से, अपने प्रेम में. Whoever is given power over the people, they are expected to run their mission there with the authority given by God for the purpose of caring for the people in the name of God. लोगों की देखभाल करने, उनकी परवाह करने के लिए जो परमेश्वर ने उन्हें उद्देश्य दिया है, वो तो जिम्मेदारी होती है कि जिस व्यक्ति को वहां पर ऊपर नियुक्त किया है वो उसको देखते चले जाए, उसे पूरा करे. As God loves all people without any distinction, yes,
द गवर्नमेंट अपॉन हुम द पीपल डिपेंड ऑन शुड रन विद ऑल द लव फॉर ऑल पीपल। और जैसे कि पूरी तरह से परमेश्वर सभी से कोई किसी से पक्षपात नहीं करता, सबसे प्रेम रखता है, इसीलिए जिस व्यक्ति के ऊपर में सारे सब कुछ संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो सब संभालते हुए जाना है और सभी उनकी प्रभुता को अपने कंधे पर जो लेना है प्रभु से पूरा करते हैं। That's the governance Jesus came to bring into the world। और यही तो प्रशासन, यही प्रभुता प्रभु यीशु इस संसार में लाने के लिए आए हैं। To make every citizen of the world live by his love, his compassion। कि संसार का हर एक व्यक्ति उसके प्रेम और उसकी करुणा के अनुसार जीवन जिए। His compassions faileth not। उसकी करुणा कभी टलती नहीं है। They are new every morning। और वो हर सुबह नई होती जाती। Yes, that's the power he gives his people to care for the people। और यही तो वो सामर्थ्य है जो वो अपने लोगों को देता है ताकि उसके लोगों की देखभाल की जाए। Even today God's hand is ready to come upon। और आज भी परमेश्वर का हाथ बिल्कुल तैयार है कि वो आपके ऊपर आए। To be a blessing to all people। कि सभी लोगों के लिए आशीष हो जाए। Unto you a child is born। आपके लिए बालक उत्पन्न हुआ है। To you a son is given to set you free। और आपको पुत्र दिया गया है ताकि आपको स्वतंत्र कर सके। And one who has the government on his shoulders for you to represent him and care for the people। और जिसके कांधे पर प्रभुता है वही तो ऐसा है कि लोगों को उसने आपको नियुक्त किया है कि आप लोगों को प्रदर्शित करें और उनकी परवाह करें। Would you surrender yourself into the hands of the Lord? क्या आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे? Father, पिता, I commend thy son, thy daughter to your care। प्रभु, मैं आपके बेटे और बेटी को आपके हाथ में, आपकी परवाह में छोड़ता हूं। Let thy power flow into them, Lord। प्रभु, आपकी सामर्थ उनके द्वारा बहती चली। And miracles happen in their life। और इनके जीवन में चमत्कार होते चले। And anoint them to be a blessing to others, Lord। प्रभु, आप इन्हें अभिषेक दीजिए कि ये दूसरों के लिए आशीष हो जाए। Let every cancer be healed in the name of Jesus। और एक कैंसर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। I see there is somebody with a problem in the throat। Terrible disease, being healed by the power of Jesus, be healed in Jesus' name। और मैं जानता हूँ कि किसी के गले में समस्या है, बहुत भयानक बीमारी है, प्रभु यीशु की सामर्थ के द्वारा आप चंगे हो जाएं। Every cancer in the throat be healed। गले का हर एक कैंसर चंगा हो जाए। Every thyroid be healed in Jesus' name। हर एक थायराइड चंगा हो जाए यीशु के नाम में। Every disease in the throat be healed in Jesus। गले की हर एक बीमारी यीशु के नाम में चंगी हो। लॉर्ड हील देम। प्रभु, इन्हें चंगाई दीजिए। गिव देम फ्रीडम इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ टू प्रॉस्पर। लॉर्ड, इनके जीवन में हर एक क्षेत्र में संपन्न होने के लिए आप इन्हें स्वतंत्रता दीजिए। बिल्ड देयर हाउस, इनके घरों को बनाइए। एंड बिल्ड देयर फ्यूचर, और इनके भविष्य को बनाइए। एस्टैब्लिश अ ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ फॉर दाई डॉटर, फॉर दाई सन। प्रभु, अपने बेटे और बेटी के लिए बहुत ही सुंदर पारिवारिक जीवन दी। ब्लेस देयर बाइबल रीडिंग, इनके बाइबल पढ़ने को आप आशीष दी। लेट देम हियर योर वॉइस, और ये आपकी आवाज सुनने। एंड गिव देम विक्ट्री इन देयर कोर्ट केसेस, लॉर्ड, एंड सक्सेस टुडे इन जीसस नेम। प्रभु, इनके कोर्ट केस में इन्हें विजय दे प्रभु, और यीशु के नाम में इन्हें सफलता दे। ब्लेस द एग्जाम्स, परीक्षाओं को आशीष दी। एंड हेल्प देम टू हैव सक्सेस इन देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मदद कीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही सफल हो। And give them good jobs। इन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। In Jesus name। यीशु के नाम। Amen। Amen। God bless you। प्रभु आपको आशीष।